जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का किसने जीता, ठीक है, हराया किसको और वेन्यू क्या है। तीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। विनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया है, रनर अप है, बीट किया भारत को, और वेन्यू जो रहा वो साउथ अफ्रीका, ठीक है। विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, बीट किसको किया, इंडिया को, और वेन्यू इसका रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन कैपिटल्स हैं, अलग अलग है, बड़ा कम होता है कि साउथ अफ्रीका कंट्रीज आए, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है ये डार्केस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, क्या है, डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ओलंपिक्स में जो मेडल रिंग्स आते हैं, फाइव रिंग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, अफ्रीका का जो रिंग है वो ब्लैक है, ठीक है, अफ्रीका ब्लैक। और यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है नाइल, और यहां पे यही की नदी कांगो जो है दो बार इक्वेटर को क्या करती है, क्रॉस करती है, ठीक है, कांगो को जायरा भी बोलते हैं। उसके बाद माउंट किली मंजारो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, किली मंजारो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, सिडनी नहीं है, ठीक है, सिडनी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, बट कैनबेरा ने इसका सरपास किया है 2023 में। और ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे पाए जाते हैं दुनिया के, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी क्वेश्चन बनता है, फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया में इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है लॉन टेनिस का, याद रखिएगा, लॉन टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता डबल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल में भारत के लॉन टेनिस प्लेयर है रोहन बापना, उन्होंने डबल जीता है, ठीक है, रोहन बाप नहीं, सिंगल नहीं जीता भाई, डबल जीता है। अब डबल के साथ कौन सा प्लेयर था आपके लिए, ठीक है, करवा चुकी हूँ, रोहन बापना, ग्रेट बैरियर, ये डबल यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है इस साल का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल और फीमेल कौन है और डबल किसने जीता है, तीनों क्वेश्चन जब भी करेंगे साथ में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया जो था एशिया के साथ जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता था। यूरोप और इंडिया जो एशिया की प्लेट भी थी वो भी एक साथ जुड़ी हुई थी, उसको यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट को ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, किस पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अफ्रीका जो है, अफ्रीकन कंट्रीज जो है, ये लाई करती है कहां पे, इक्वेटर के पास और सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ, और कुछ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर थोड़ा लाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा नहीं लाई करते, सदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के बीच लाई करता है अफ्रीकन कंट्री। इंडिया जो है एशिया में लाई करता है, सदर्न एशिया का पार्ट है, क्या है, सदर्न एशिया का पार्ट है। इंग्लैंड जो है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ये सारे क्वेश्चन रहे, और 2020 जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा वो कहाँ होगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। मुश्ताक अली ट्रॉफी इंडिया पंजाब ने जीती थी, दिलीप ट्रॉफी भी साउथ जोन ने जीती थी, सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी अभी रिसेंटली होने वाली है, इन दिनों में चल रही है रणजी ट्रॉफी, ठीक है। लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी, याद रखिएगा, 2023 में रणजी ट्रॉफी वॉज वॉन बाय सौराष्ट्र, अभी रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने सब आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता और T20 भी जीता, दोनों में ही इंडिया को बीट किया, याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आते हैं, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, ध्यान से देखना, जितने भी 2024 में अभी तक जनवरी से अभी तक स्कीम्स नहीं है, ये एफकैट के लिए, एसएससी जीडी के लिए,
लिख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो ये सारी रहेंगी एक एक करके सारी मैं बताऊंगी हमने, क्योंकि हमारे पेपर जो है ना सी सेट के लिए है, सी सेट में पूरा बीच में से आता है, ठीक है, एफ कैट, एनडीए, सीडीएस और अग्निवीर, एस एस सी जी डी, वहां पे सिंपल पूछ लेता है ये स्कीम कब लॉन्च की, इसका एम क्या है और लॉन्च किसने की। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं है, अब कौन है, अर्जुन मुंडा, पहले लिख लो, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो पहले ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे, अब वो क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाम है अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा ने एक इनिशिएटिव लिया जो लॉन्च किया है कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन एंड सारथी इनिशिएटिव। सारथी इनिशिएटिव मैंने इतनी बार करवाया है, और ये जो सारथी है, बड़ी बार एसएससी जीडी में ही क्वेश्चन आता है सारथी की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर, चार ऑप्शंस होते हैं, अरेंज करना होता है या इस तरह भी आती है, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को इसमें लॉन्च इसी के अंदर, ये किसका इनिशिएटिव है, किस कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन एंड सारथी इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया है, अर्जुन मुंडा ने, ठीक है। अर्जुन मुंडा कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अब हम देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए बेनिफिट, और स्मृति ईरानी ने कौन, ये तीनों ही पोर्टल बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेक करते हैं। विद्यांजलि, ठीक है, विद्यांजलि, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आपको ये रटना है, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान एजुकेटिव एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, को एचआरडी मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एजुकेशन सीआईएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये किसके लिए है, जो कौन है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो 10+2 10th पास हो जाते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, ठीक है, इन स्कूलों के बच्चे इतने मतलब वेल्थ साउंड नहीं होते, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इन ऐसे स्कूलों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनके बच्चों को आगे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए स्कीम लगाई गई है, और ताकि उनका आगे से भी, उनके आगे के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज खुली रहे, ठीक है, टू एम्पावरिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनफ रिसोर्स बाय ऑफरिंग देम एसएसएम अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इट वॉज लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्टर, फॉर एम क्या है, एम याद रखिएगा, एम सी सेट में पूछी जाती है, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, आपको भी आ सकती है वैसे कि एम क्या है, चार ऑप्शंस होंगे, आपको जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू एम्पावरिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनफ रिसोर्स बाय ऑफरिंग देम एसएसएल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखियो, किलकारी, किलकारी एक मोबाइल ऐप है, लॉन्च की गई है गुजरात और महाराष्ट्र में, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में, स्टेट मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, स्टेट मिनिस्टर कौन है, एसपी सिंह बघेल एंड डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ठीक है, एसपी सिंह के साथ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मिलके किलकारी को क्या किया, लॉन्च किया। किलकारी जो है ये जेकेएसएसबी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, ठीक है, क्योंकि जेकेएसएसबी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे पहले पेपर आता था उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा, आपको मिलेगा किलकारी, ठीक है, याद रखेगा, एक मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है स्मृति ईरानी ने, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रैक चाइल्ड पोर्टल एंड गर्ल,
ट्रैक चाइल्ड पोर्टल क्या है? ये ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च किया है, सॉरी रहमान, अब आपने बड़े सारे बैगर्स देखे हो, बड़े सारे बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। 2015 से ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अब गवर्नमेंट इन ज्यादा ही सक्रिय हो गई है इस पोर्टल को लेके। इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर और रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है इस पोर्टल्स के अंदर आती है, ताकि क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ से घूमते हैं, रेलवे से, ठीक है, वहां उस मिनिस्ट्री में भी इस पोर्टल को लॉन्च किया, बस स्टैंड हो गया, मेला फेयर हो जाते हैं कोई, उन जगहों में बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB सोशल वेलफेयर, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवेलप द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, जिसका मतलब मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन इन ऑल स्टेट। अब आपको उन स्टेट्स में कौन 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 सी स्टेट मेंशन की गई है इस पोर्टल में, आपको ये याद रखनी है, कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड झारखंड, ये चारों स्टेट्स को याद रखना है। महाराष्ट्र मुंबई इसकी कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर कैपिटल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, सेवन सिस्टर स्टेट में सिक्किम नहीं आता, सिक्किम सेवन सिस्टर स्टेट का भाई माना जाता है। झारखंड जो है इसकी कैपिटल रांची है, क्या है, रांची। अभी नए चीफ मिनिस्टर बने झारखंड के, कौन, झारखंड के ही बने ना, कौन बने हैं, रोज ही तो करवाते हो, सुरेन ही बने हैं, एमपी सुरेन ही है, सुरेन है, अब आप बताए, ठीक है। घर देखो, घर गो होम एंड री यूनाइट, घर का मतलब, घर स्टैंड फॉर क्या है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में अंतर देखिए, घर, घर का मतलब गो होम एंड री यूनाइट, जो लोग मिसिंग हो चुके हैं उनको क्या है, जुबिनियर एक्ट 2015 के अंदर घर के में वापस लाया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इस स्कीम को, इस पोर्टल को, घर वाला जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, नहीं किसने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, जुविनाइल जस्टिस जिसको कहा जाता है 2015, इसने इसको लॉन्च किया है। दोनों में अंतर देखिए, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च बाय वुमेन एंड डेवलपमेंट अफेयर मिनिस्टर, वुमेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ये है स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, कौन है, मनसुख मांडविया। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है, मुझे तो करवाती हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। मिनिस्टर ऑफ लोकसभा कौन है, मिनिस्टर राज्यसभा कौन है, बोलो, लोकसभा है मोदी और राज्यसभा है पीयूष गोयल, कौन है, पीयूष। अपोजिशन मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा, अपोजिशन मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा कौन है, चलो मल्लिका अर्जुन नाम दे देती हूँ, आगे आप बोलो, खड़गे, ठीक है, मल्लिका अर्जुन खड़गे, नाम इनका अच्छा है, मल्लिका भी है अर्जुन भी है, मल्लिका अर्जुन आप शंभू का नाम, मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। ये है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा मोदी, अपोजिशन ऑफ राज्य, अपोजिशन लीडर ऑफ
राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी क्वेश्चन आता अनिश, ये क्वेश्चन आते हैं ठीक है, इनमें से आपके एसएससी जीडी में ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और एचआरडी धर्मेंद्र प्रधान और एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो देखिए। आजकल प्राइम मिनिस्टर रोज बोलते हैं भारत को सोलर एनर्जी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो सोलर एनर्जी में आप एक तो आप एनर्जी भी आपको मिलेगी, साथ में आप इस एनर्जी को सेल भी कर सकते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सनराइज स्कीम, ठीक है। दोनों एक इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों का मतलब एक ही है। एक में 10 मिलियन हाउस होल्ड को बेनिफिट मिलेगा, एक में 1 करोड़ लोगों को, कितने 1 करोड़ लोगों को, याद रखिएगा। ये एम्बिशियस है, डिजाइन टू बूस्ट सोलर एनर्जी यूजेस इन इंडिया एंड मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड एनर्जी सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। और सेकेंड सनराइज स्कीम जो है, टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन इंडिया। सोलर एनर्जी स्टेट कौन सी है एंड विंड एनर्जी स्टेट कौन सी है? सोलर एनर्जी राजस्थान, विंड एनर्जी गुजरात, ठीक है। उल्टा लिखा सीधा लिखा? सो आज जैन साहब नहीं बोल रहे, इसमें तो सीधा लिखे। प्राइम मिनिस्टर एनर्जी रिलीज एनर्जी रिलीज, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका बैंकिंग वाला टॉपिक है उसके लिए। प्रधानमंत्री ने पहली इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम के लिए, जनमन स्कीम किसके लिए है? पक्का होम, किसके लिए है? पक्का होम। प्राइम मिनिस्टर ने पक्का होम के लिए कितने रुपीज रिलीज किए हैं? पहली इंस्टॉलमेंट कितनी रिलीज किया? ₹540 करोड़। याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने इस 2024 में जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है, एक तो सूर्योदय है, एक है सनराइज। सनराइज में 10 मिलियन लोगों को बेनिफिट हाउस होल्ड को दिया जाएगा, ये कितना है? 1 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम के अंदर ₹540 करोड़ क्या किया है? रिलीज किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। असम ने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये भी किसको असिस्ट कर रही है? वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। महिला वंदना योजना, मैत्री वंदना योजना, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। 1000 लड़कियों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। ये आपको JKSSB में पूछ सकते हैं कौन कौन सी स्कीम कौन कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट की है। युवा निधि स्कीम जॉबलेस यूथ के लिए है, शिवमोगा कर्नाटका। शिवमोगा में कोई नदी बहती है? नहीं बहती। शाबरती रिवर के ऊपर कोई वॉटरफॉल बनता है? ये शाबरती रिवर नहीं है, कौन सी है? शिवमोगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कॉपर का स्टेचू इंस्टॉल किया गया है, कैंपेगोड़ा। कर्नाटका के फाउंडर है, बेंगलुरु के फाउंडर है। छत्तीसगढ़ को ओल्डेस्ट, इसको कोशला कहा जाता था, कौशल्या जो है उसी के नाम पे जाना जाता था। असम जो है गुवाहाटी इसकी कैपिटल नहीं है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है, दिसपुर इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ये आपको स्कीम दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देख लो। प्रधानमंत्री बीमा योजना स्कीम के अंदर कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन, ये कहाँ गया हेल्पलाइन नंबर? ये डिलीट हो गया है, ये कृषि वाला कल मैं दोबारा करवाऊंगी क्या? नहीं, मैंने लिखे हैं हेल्पलाइन नंबर, इसमें LSMB आना,
सारथी का भी था, ठीक है। किलकारी किसने लॉन्च किया? किलकारी लॉन्च किया है, किलकारी भी यूनियन मिनिस्टर ने ही किया है, स्टेट के मिनिस्टर ने। ये कहाँ पे ये किया है? एसपी सिंह बेगल एंड भारती प्रवीण पवार ने। और ये स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। ये स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया किलकारी महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात जो पहले एक ही प्रोविंस के अंदर आते थे ब्रिटिशर्स के टाइम, बाद में जब भारत की पार्ट क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, तो ये प्रोविंस अलग अलग हो गए। लैंग्वेजेस के आधार पर इनकी पार्टीशन हुई। गुजरात को गुजराती बोलने वालों को अलग कर दिया गया, मराठी बोलने वालों को अलग कर दिया गया। इस तरह बंगाल और महाराष्ट्र जो है, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात प्रोविंस को अलग किया गया। जितनी भी भारत में स्टेट की डिवीजन उनको सारे लिंग्विस्टिक बेस पे है। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी तमिलनाडु। कौन सी है? तमिलनाडु। हाँ आंध्र ही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी, याद रखिएगा। और उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को भी, और इसके साथ गोवा भी था, गोवा भी अलग कर दिया गया। गोवा में कोंकणी बोल जाती थी, और कोंकणी गोवा में बोल जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, और गुजराती गुजरात में बोली जाती है। ये तीनों ही याद रखिएगा। हो गया ये किलकारी, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। घर जो है एनसीपीसी आपने लॉन्च किया, दोनों में अंतर है। फिर प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना, सनराइज योजना, ये जनमन स्कीम भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए अपॉइंटमेंट्स हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया है? अजय चौधरी को। अब मायोका कौन है, विजय बिश्नोई कौन है, रवि कुमार जॉ कौन है, ये भी देखते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मायोको जो है, मायोको देख लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की इंडिया की चेयरपर्सन बनाई गई है। किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक। एडीबी बैंक का जयपुर हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट, नहीं भाई मैंने उससे पूछा है, सोहित से, मनीला, ठीक है, आज ठीक बोल रहा है, मनीला फिलीपींस, मनीला मनीला एक लड़की भी आती थी यहाँ पे, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब टाटा एआईआई लाइफ के सीईओ बने हैं वेंकटा चेलम, ये इसी हफ्ते के सारे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट यहाँ देख लो, ये सारी, क्योंकि इतनी सारी अपॉइंटमेंट डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होता, और ये मैंने आपको सीधे ही वन लाइनर दे रही है सारे, ताकि आपको याद हो जाए। LIC म्यूचुअल फंड असिस्ट मैनेजमेंट, रवि कुमार झा। पहले 2019 से पहले ना इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स होती नहीं थी। आजकल कोई भी छोटे से भी किसने कंपनी खड़ी करी है उसका भी सीईओ बता देते हैं। अपॉइंटमेंट कुछ लिमिटेड आती है, हम बार बार वही करते हैं और वही एग्जाम में आती है, सारी ये नहीं आती है, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट है कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट कौन से बने हैं, एडीबी बैंक के इंडिया की चेयरमैन कौन बनी है, ठीक है। चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्टिस विजय बिश्नोई, आगे 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 द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ मायोको एज ए न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बैंकिंग के अगर एग्जाम होंगे तो फिर ये दोनों LIC म्यूचुअल और टाटा AIA दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेंकटम चेलम एंड रवि कुमार झा। इस देखिए न्यू अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की किस किस की हुई। यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक, प्रेसिडेंट ऑफ एल सेल्वेडर नाइब बुकेल सेकेंड टाइम बने हैं। सुल्तान ने बने हैं मलेशिया के, जोहर के सुल्तान इनको कहा जाता है, अब्राहिम इस्केंदर। और प्रेसिडेंट ऑफ कैमरूस एजली एसोमोनी, ये फोर्थ टाइम बने, सेवनटीन टाइम सुल्तान बने हैं जोहर, ठीक है। गोटेमेला साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, बेनाडो अरिवेलो एंड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान विलियम ला। और एक और हमने अभी किया था भूटान,
भूटान के भी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ये सारे यहाँ रखिएगा, इसको भी ऐड करना मैं भूल गई, भूटान लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यमन अहमद अवध बिन मुबारक, प्राइम मिनिस्टर एल सेल्वेडर नायब केली, सुल्ताना मलेशिया इब्राहिम इस्कंदर, कैमरूस एजली असोमनी, बार्नाडो अरिवेलो जो है गोटरमेला गोटरमाला तैवान जो है विलियम लाई। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है, इंडियन एथलीट भी ने प्लेक एट जंक फ्रूट, ठीक है, प्लेक एट जंक फ्रूट, ये एक अवार्ड है स्विट्जरलैंड का, ठीक है, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। विराट कोहली को रिसेंटली आईसीसी मैन ऑफ द ईयर बनाया गया है, नोवाक जोकोविक को क्या, हाँ बोल, हाँ प्यूबर्टी मैन ऑफ द ईयर भी है, और लियोनेल मेसी को भी अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। इनमें से हम देखते हैं अवार्ड्स इंडिया के कौन कौन से लोगों को, ये पूरे फेब के अवार्ड्स हैं, ठीक है, फेब और जनवरी में क्या किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, दो लोगों को सीके नायडू, सीके नायडू जो है क्रिकेटर थे उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है, और रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। ये म्यूजिशियन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये दोनों मिलके म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम देते थे, बट लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड बीना मोदी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो पीटी उषा को दिया गया है। एस ऑफ द एसीस अवार्ड रोहन बापना को, यूपी गौरव सम्मान डॉक्टर रितु को। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सारे अवार्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, ये वीकली जो हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा है पिया, वो सारे करंट अफेयर्स है, क्या क्या है। द्रौपदी मुर्मू ने विविधा का अमृत महोत्सव को इनॉग्रेशन किया न्यू दिल्ली में। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रियाद में इंडिया को लीड किया, इंडिया की समिट में एड्रेस किया या लीड किया, डेलीगेशन लेके गए थे। ज्योति आदित्य सिंह ने A220 डोर मैन्युफैक्चरिंग एयरबस को अनवील किया, ये मेक इन इंडिया के अंदर आता है। 457 प्रोजेक्ट जो है नमामि गंगा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB एंड बैंकिंग के लिए, ठीक है। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव जिसका एड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इनॉग्रेशन किया। इंट्रीम बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। प्रोमिनेंट इंडियन जो म्यूजिशियन है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन एंड फ्लूट कौन थे, हरि प्रसाद चौरसिया, बैंड शक्ति बैंड प्रेस्टीजियस रानी अवार्ड। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर अपॉइंटेड मलेशियन 17 किंग। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोर्स। ओजेस बेक्टिनोव हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, ये हाइलाइट्स देख लो। इंडिया नेवी हैज डेजिग्नेटेड द इंडियन आर्मी ने टेक्नोलॉजी 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, और नेवी ने कहा है ईयर ऑफ नेवल सिविलियन। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बैरियर के लिए ओलंपिक, ये थर्ड फोर्थ इंडियन में, इससे पहले जो टॉर्च बैरियर बनते थे ये हॉकी से थे लोग, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने 8 गोल्ड आज तक ओलंपिक्स में हॉकी में जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लखपति दीदी स्कीम को भी लॉन्च किया, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन है उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिया जाए लखपति दीदी के अंदर। जयशा रिय पॉइंटी ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द इंडिया, ठीक है, एंड नीदरलैंड वुमेन हॉकी और नीदरलैंड मेन्स हॉकी ने दोनों ने क्या किया, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की न्यू चेयरमैन जो बनी है मायोग को, वो इंडिया में अपॉइंट की गया। हरियाणा ने कंस्ट्रक्शन दीन बंधु छोटू राम मेघा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होगा, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगाया बनाया जा रहा है और कितने मेगावाट है, 800 मेगावाट है,
ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा। जय हिंद। सेकंड जय हिंद।